हमारे बीच में जो आज जो इतना बड़ा जन सैलाब है, भारतीय मजदूर संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे बीच में आई, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा सैलाब और किन मांगों को लेकर यहाँ ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पर दिखाया है। सर, मैं आपका पूरा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। मेरा नाम है संजीव शेखर और मैं भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसके बैनर तले वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ है पहली बार इतिहास में, जिसका मैं फाउंडर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। हम लोगों ने भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से मीडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। मीडिया रिफॉर्म्स के तहत तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया, सारे जर्नलिस्ट एंड नॉन जर्नलिस्ट, इन सारे लोगों के साथ जस्टिस हो, सामाजिक सुरक्षा हो, इनको समान काम का समान वेतन, और जो मजिठिया आयोग प्रिंट मीडिया के लिए जो अभी गठित की गई है, जो बनी हुई जिसकी कोर्ट संचालित हो रही है, जिसके लिए स्पेशल कोर्ट की बात हो और त्वरित निदान हो इसका। इस पर मजिठिया आयोग का जो के तहत जो कोर्ट है ये बहुत धीमी गति से चल रही है, और उसमें भी ये सरकार के जो लेबर कोर्ट ये संचालित कर रही है, लेकिन वो जस्टिस असंतुष्ट है, लोग उस पत्रकार उससे संतुष्ट नहीं है। हमारा जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आज के डेट में बिना दांत का है। हम लोगों ने मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया आयोग की बात करने गठन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया आयोग वैसा आयोग बने, सशक्त आयोग बने, जो मीडिया कॉरपोरेट के शोषण का, उनके प्रताड़ना का, उनको दंड देने का उनको अधिकार प्राप्त हो, और उसमें सारे लोग, जुडिशरी के लोग आए, मीडिया के लेबर एक्ट, लेबर यूनियन के लोग जुड़े, और मीडिया के जो लास्ट पर्सन जो स्टिंगर्स हैं उनको भी जोड़े, और पॉलिसी ऐसा बने जो उनसे पूछ के बने। ऐसा ना, हमारा जो अभी नीति आयोग है वो एक तरह से अनीति आयोग है, अयोग्य नीति आयोग है। इस अयोग्य नीति आयोग का हम लोगों ने विरोध किया है। इस अयोग्य नीति आयोग में योग्य लोगों को और प्रोफेशनल लोगों को शामिल किया जाए, जो ताकि योग्य नीति आयोग का गठन ये बने, और हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है मीडिया रिफॉर्म्स। सबसे बड़ा उद्देश्य है राष्ट्रवाद के साथ मीडिया खड़ा हो, मीडिया और राष्ट्रवाद दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू बने। मीडिया फॉर नेशन, मीडिया फॉर कंट्री, मीडिया फॉर भारत, और मीडिया फॉर सोशल का हम लोगों का निर्माण का एकमात्र उद्देश्य है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का। जहाँ साहब, एक तरफ जब ये फंसते नज़र आते हैं, सरकार फंसती नज़र आती है तो कोर्ट में केस ले जाती है, और जब कोई कोर्ट अपना आदेश सुनाती है, जैसे कि अभी आपने बताया था कि काम के बदले पैसा हो, समान काम और समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए, उसके बावजूद ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार लागू करने में क्यों कोताही बरत रही है? इसलिए कोताही बरत रही है कि मीडिया को कंट्रोल करने वाला ट्रेड यूनियन जो अब तक बना है, जितने भी ट्रेड यूनियन हैं वो फेलियर हो चुके हैं। उन्होंने मीडिया के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई है। दूसरा, मीडिया के नाम पे जितने संगठन बने हुए हैं वो कमज़ोर हैं, वो अपनी बात को सकारात्मक ढंग से या मजबूती से आज तक नहीं रख पाया है। हम लोगों ने वह बुलंदी के, हमारे ये जो लोग कहते हैं कि ये भाजपा या आरएसएस से संगठित है, नहीं, हम लोगों का संगठन पूरी तरह ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है। हाँ, विचार आपके और हमारे संस्कार एक हैं, अगर राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर हम आपके साथ खड़े हैं। हम लोगों ने वो शक्ति, उस शक्ति के साथ खड़े हैं जो विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। हमारी आवाज़ पे हम लोग संसद हिला सकते हैं, संसद में उठा सकते हैं, बिठा सकते हैं। अब आपको समय बताएगा कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया मीडिया रिफॉर्म्स का इतिहास रचेगा, और जो समस्याएं हैं उसका निदान हम लोगों ने मीडिया कोर्ट का गठन करने का तैयारी की है। मीडिया कोर्ट हर जिले स्तर पर बने, जो सिर्फ और सिर्फ मीडिया का ही, मीडिया कर्मियों के लिए निदान का कार्यक्रम करेगा, और स्पेशल कोर्ट बने, और वो कोर्ट में मीडिया के ट्रेड यूनियन भी बैठेगा और जुडिशरी के भी लोग बैठे, और देखे कैसे निदान होता है। सर, आप मीडिया से संबंध रखते हैं कि जो सच्चाई दिखाता है और सच बोलता है वो यहाँ सुरक्षित नहीं है? मैंने तो कहा आपको, सामाजिक सुरक्षा और मीडिया की सामरिक सुरक्षा, जो आप नेताओं को लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको मीडिया पे सुरक्षा पे ध्यान केंद्रित करना होगा। तमाम मीडिया के लोगों को, खासकर स्टिंगर्स से लेकर के हमें एडिटर और मीडिया कॉरपोरेट की सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद सुरक्षित हैं। और दूसरा प्रहार में हम लोगों ने किया है मीडिया, भ्रष्ट मीडिया कॉरपोरेट पर।
ये सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। इन्होंने काला धन का सबसे बड़ा अगर उगाही कर रहा है तो ये मीडिया कॉरपोरेट भ्रष्ट, जिनको न राष्ट्रवाद की चिंता है न मीडिया कर्मियों की चिंता है, उनको एकमात्र चिंता है कि कैसे मीडिया से काम शोषण कराओ, यूज़ एंड थ्रो। तो उन मीडिया कॉरपोरेट भ्रष्ट मीडिया कॉरपोरेट का हम लोगों ने प्रहार करने का शंखनाद किया है। धन्यवाद सर।